अगला स्टेशन लद्दाख है, कृपया बाइक्स रेडी कर ले, दरवाजे आपके लिए ही खुलेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का व्लॉग इज गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग बिकॉज आई एम करंटली स्टेइंग एट रेनबो हॉस्टल लेह एंड फ्रॉम हियर वी विल बी कवरिंग खरदुंगला पास, मैत्रेय बुद्धा स्टैचू इन दीक्षित एंड हुंदर, प्लस वी विल डू एन ओवरनाइट स्टे एट नूबरा वैली। सो लेट मी टेल यू, ये पूरा ट्रिप करीब 150-160 किलोमीटर का होगा। लेह से खरदुंगला पास तक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर है, जिसे हम 2.5-2 घंटे में कवर करेंगे डिपेंडिंग ऑन रोड कंडीशंस। वहाँ से दीक्षित अराउंड 70 किलोमीटर्स दूर है, जो 2-3 घंटे ले सकता है। फिर दीक्षित से हुंदर सिर्फ 10 किलोमीटर है, विच इज़ जस्ट अ क्विक 20 मिनट्स ड्राइव। नूबरा वैली में मैं ओवरनाइट स्टे करूँगा, सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग बट थ्रिलिंग डे अहेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं पहुंच गया हूँ खरदुंगला पास। दुनिया के हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स में से ये एक है। ये पास 17,982 फीट अबव सी लेवल सिचुएटेड है, विच मीन्स ये एक थ्रिलिंग बट चैलेंजिंग ड्राइव होती है। अगर आपको थोड़ा हेडेक या लाइट हेडेडनेस फील हो, इट्स टोटली नॉर्मल बिकॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड। सेफ्टी के लिए एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा अपने साथ रखिएगा। फन फैक्ट, ये रोड को ओरिजिनली 1976 में बनाया गया था एंड इट वॉज ओपन टू पब्लिक व्हीकल्स इन 1988। इस जगह की एक रिच हिस्ट्री है क्योंकि ये सिल्क रूट का भी हिस्सा था बैक इन द डे। इमेजिन, यहाँ से कैरावेंस गुजर कर टिबेट से इंडिया आते थे। सो ये है खरदुंगला पास, अभी हम चलते हैं दीक्षित। लेट्स गो। दीक्षित गोम्पा, जो स्टैचू के बिल्कुल पास है, ये लद्दाख का सबसे पुराना मोनेस्ट्री है, बिल्ट इन द 14th सेंचुरी। यहाँ का वाइब इतना सीरीन है, एकदम स्पिरिचुअल। मेक श्योर टू टेक सम टाइम टू मेडिटेट एंड सोक इन द पीस। सो अभी मैं आ गया हूँ दीक्षित,
यहाँ का मैत्रेय बुद्ध स्टैचू इज़ आइकॉनिक एंड सुपर पीसफुल। ये स्टैचू 106 फीट लंबा है और 2010 में इसे बनाया गया था। फन फैक्ट, ये स्टैचू टिबेट की तरफ देख रहा है, सिंबलाइजिंग पीस एंड प्रोटेक्शन फॉर द रीजन। इस स्टैचू के नीचे एक छोटा टेंपल है जिसमें आप मैत्रेय बुद्धा की प्रेयर्स और रिचुअल्स अटेंड कर सकते हो। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही काम और स्पिरिचुअल है, परफेक्ट फॉर सम पीसफुल मोमेंट्स। ये स्टैचू लोकल्स की हेल्प से बनाया गया था। लद्दाखी पीपल ने डोनेशन से इस प्रोजेक्ट को फंड किया और इसका पर्पस रीजन में हारमनी और प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करना था। ये स्टैचू को बनाने का मेन मकसद था ये दिखाना कि फ्यूचर बुद्धा दुनिया को एनलाइटनमेंट देंगे जब ह्यूमैनिटी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये स्टैचू नुब्रावैली के लोगों के लिए एक शांति और प्रोटेक्शन का सोर्स माना जाता है। टेंपल के ऊपर से नुब्रावैली का व्यू एकदम ब्रीथ टेकिंग होता है। यहाँ से आप शोक रिवर और सराउंडिंग माउंटेन्स का एक पैनोरामिक व्यू ले सकते हो, विच एड्स टू द ओवरऑल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये टेंपल और स्टैचू का कॉम्बिनेशन नुब्रा वैली का एक मस्ट विजिट स्पिरिचुअल स्पॉट है, जहां आपको नॉट जस्ट पीस बट एक डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस भी फील होगी। तो अभी मैं नुब्रा वैली आ गया हूँ, फटाफट फ्रेश होके चलते हैं हुंदर एक्सप्लोर करने। तो आ गए हम हुंदर सैंड ड्यून्स। हुंदर के सैंड ड्यून्स टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस देते हैं। लोग इसको मिनी डेजर्ट ऑफ लद्दाख कहते हैं। यहाँ पर चार पांच एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हो। चलो देखते हैं क्या करना है आगे। सो यहाँ पर आप ATV राइड, आर्चरी, पेंटबॉल, वॉलीबॉल और बैक्ट्रियन कैमल राइड कर सकते हैं। मैं ATV राइड करूँगा जिसका कॉस्ट इज़ 1000 रुपीज़ फॉर 4.5 किलोमीटर्स ट्रैक।
कोल्ड डेजर्ट में ये सैंड ड्यून्स और बैक्ट्रियन कैमल्स का सीन एकदम सररियल होता है। ये कैमल्स टू हम्ड होते हैं और सिल्क रूट के टाइम से यहाँ आए थे। एक और कूल फैक्ट, इन कैमल्स को ठंडी जगहों में सर्वाइव करने के लिए ही ब्रीड किया गया है। नूबरा को वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, बट ये नेम थोड़ा डिसेप्टिव लग सकता है क्योंकि यहाँ बैरन लैंडस्केप्स और माउंटेन्स ज़्यादा है। फिर भी ये जगह अपने अंदाज में खूबसूरत है। यहाँ का नाइट स्टे इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको इतनी क्लैरिटी से मिल्की वे और स्टार्स और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। सो आज रात मैं स्टार गेजिंग करूँगा और गोप्रो से स्टार ट्रेल्स भी रिकॉर्ड करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। खरदुंगला, दिस्कित, हुंदर और नूबरा वैली का ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल हुआ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं जाऊँगा नूबरा वैली से तुरतुक, तुरतुक से हम जाएंगे थांग, विच इज़ द लास्ट बॉर्डर विलेज ऑफ इंडिया। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।